लिटिल लिटिल फ्रेंड्स तो अब is, तो तो हम लोग आ गए हैं दैट दैट इज इज 2.4 का हाउ डॉट द बिजी बी ये करने से पहले लास्ट लास्ट में में क्या किया हम में, उसका किया अब्दुल बिकेम वर्कशॉप जो न्यू चैनल पे जाके, वो वीडियो देखना है। वीडियो तो करना है। जितना हो सके उतना शेयर करना है राइट तो हम आ गए पोएम पे जहां पर हम देखेंगे किस तरह से दो तरह के और यहाँ पर एक पोयम में आप हमें दो दो पोयम दिखाया जा रहा है देखते हैं चलो सो हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी कैसी होती है व्यस्त मधुमक्खी ये चैप ये फर्स्ट जो हेड ये जो हेडिंग है इसका मीनिंग क्या होता है कैसी होती है एक व्यस्त मधुमक्खी अभी देखेंगे चलो सो हाउ डॉट द लिटिल बी इम्प्रूव इज शाइनिंग आ इसका मतलब क्या है कि कैसे एक बिजी मधुमक्खी कैसे एक बिजी मधुमक्खी हर एक समय हर एक घंटे को बेहतरीन बनाती है ठीक है हाउ डॉ द लिटल बिजली मतलब कि किस तरह से एक व्यस्त मधुमक्खी हर एक घंटे को हर एक शाइनिंग आस को चमकते हुए आस को घंटे को बेहतरीन बनाती है एंड गैदर्स हनी ऑल द डे और वो हनी गैदर करती है राइट right? मधुमक्खी क्या करती है हनी गैदर करती है राइट फ्रॉम एवरी ओपनिंग सार्स जो भी खुले हुए जो भी खुले हुए फ्लास होते हैं उसमें से जो मधुमक्खी है वो क्या है? करती है हनी गैदर करती है राइट नाउ तो फर्स्ट पैर में यही था कि किस तरह से एक बिजी मधुमक्खी हर एक चमकते हुए घंटे को बेहतरीन बनाती है वो किस तरह से हनी को इकट्ठा करती है कहाँ से फूलों से जो खिले हुए फूल है उसमें से नाउ स्किलफुली शी बिल्ड हर सेल हाउ नीट शी स्प्रेड हर वैक्स तो कितने स्किलफुली एकदम कुशलता से जो मधुमक्खी है वो अपने सेल्स बनाती है जैसे ये हेक्सागोन कैसे होते मधुमक्खी के मधुमक्खी के सेल्स ऐसे होते हैं ना दिख रहा है आपको हाँ थोड़ा थोड़ा थो, थो, दिख रहा है देख लो हाँ तो ऐसे हेग्जेगॉन कैसे बनाती है हाँ ऐसा शेल बनाती है एकदम बोले ना एकदम स्किलफुल टैलेंट के साथ कुशलता के साथ कि वो एज इफ उसमें बहुत एक्सपर्ट है ठीक है और इसका बात क्या है हाउ नीड शी नीड्सर वैक्स वैक्स मीन वो कैसे जो इकट्ठा करके आती है वो किस तरह से देखो ये दिख रहा है किस तरह से किस तरह से देखो ये शेल के अंदर वो वैक्स भर रही है मतलब जो भी वो इकट्ठा करके आई है वैक्स वो इस शेल में पूरा भर रही है दिख रहा है थोड़ा मैं देखती हूँ दिख रहा है कि नहीं हाँ. देखो यहाँ पर ये यह खाली यहाँ पर ये यह खाली है लेकिन इसमें कैसे ऐसे भर है मतलब कितने केयरफुल कितने नीटली वो अच्छे से भरती है थोड़ा कुछ भी गिरा हुआ है क्योंकि मेहनत ऐसे इसे गिरा देंगे सो एंड लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल स्वीट फूड शी मेक्स और वो लेबर साइड समझते तो कैसे एकदम हार्ड वर्क हार्ड वर्किंग होते हैं वो कैसे एकदम मुश्किलों से काम करते हैं ठीक है तो उसको वेल अच्छे से स्टोर करने के लिए कि वैक्स गिरे नहीं विद द स्वीट फूड शी मेक्स तो जो भी वो स्वीट फूड मे बनाती है ना उससे ना वो क्या करते हैं ये शेल को अच्छे से कवर कर देते ताकि एक भी वैक्स एक भी हनी गिरे ना एक भी वैक्स गिरी ना तो जब ये वैक्स उधर रहेगा तो धीरे धीरे वो कैसे हनी बन जाएगा राइट हम उन्हें हनी खाया है ठीक है तो यही था ये यहाँ के दो पैरा में सो उनके राइटर राइटर में बताना भूल गई सो उनके राइटर कौन है इसाक वॉट्स ठीक है नाउ या नाउ अब ए पैरेडी पैरेडी मतलब क्या होता है ना किसी पोयम को उसी के फॉर्मेट में या पैटर्न में कॉपी करना जिस तरह से जैसे यह पोयम में जिस तरह से वर्ड्स यूज किए जिस तरह से उसको किस तरह से किस पैटर्न में लिखा उसी पैटर्न में इस पोयम को भी कॉपी किया गया है और ये पोयम किसने लिखा है लेविस कैरोल ने तो देखते हैं क्या अ है? पेरेडी ठीक है हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव शाइनिंग टेल देखो यहाँ पर भी वैसे ही बताए हाउ डॉट किस तरह से एक छोटा सा क्रोकोडाइल जो अपना टेल है उसको शाइनी बनाता है ठीक है एंड द द ऑफ ऑन एवरी गोल्डन स्केल जो वॉटर ऑफ द नाइल नाइल बोलेगा तो एक तरह से बोल दो रिवर ठीक है तो उसने किस तरह से वो जो नदी का जो पानी है ना वो अपने जो स्केल से ना उसपे पोर करता है ऐसे स्केल्स होते ना क्रोकोडाइल कैसे ऐसे ऐसे, 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 ऐसे स्केल्स होते ना तो वहां पर कैसे सो so, किस तरह से एक क्रोकोडाइल अपने पूछ को शाइनी बनाता है वो क्या एंड पोर्स वाटर तो ना जो रिवर का पानी है ना वो अपने स्केल पे गोल्डन स्केल पे पोर करता है डालता है सेकंड सेकंड हाउ चुली ही सीम्स टू ग्रीन हाउ नीटली स्प्रेड ही स्लो मतलब वो ग्रीन कर मतलब ही इज हैप्पी ही इज स्माइलिंग ठीक है वो खुश है एकदम ग्रीन ऐसा करे तो वो ग्रीन हो गया ठीक है एंड नीटली स्प्रेड इसको और अच्छे से अपने क्लॉज जैसा स्प्रेड कर ले इतना खुशी ले वो एकदम मस्त से रिलैक्स हुआ है देन एंड वेलकम द लिटिल फिशेस इन विथ जेंटली स्माइलिंग जो मतलब वो जैसे बोलो ना जैसे, जैसे एक पत्ता कैसे पानी में एकदम स्टिर है एकदम कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा उस तरह से वो एकदम अपने क्लॉज को ऐसे कर देता है फैला देता है फिर ऐसे मुंह खोलता है जो आ, बड़ा मुंह खोलता है स्माइल करते हुए हाउ वेलकम लिटिल फिशेस इन विद जेंटली स्माइलिंग जॉस और जो फिशेस है उनको समझ में नहीं आता कि वो किसका माउथ है क्या है कुछ ही फिशों तो बस ऐसे ही घूमती रहती है एंड ही फिश आती है वैसे वो पकड़ लेता है वही तो वही, तो वही इसका मीनिंग है कि किस तरह से वो ग्रीन एकदम खुशी में ग्रीन कर रहा है हंस रहा है एंड अपने क्लॉज ने खोल दिया और अपना जॉ है ना जो वो एकदम बड़ा खोल दिया और फिश ताकि फिश उसमें आ जाए तो ये था एक मतलब ये पोयम दो पोयम थे जिसमें हमें देखा गया कि किस तरह से जो एक पोएम है उसको उसी वे में कॉपी करके लिखा गया तो आई होप आपको पोएम पसंद आया हो अगर वीडियो तो लाइक करना चाहे सब्सक्राइब करना जितना हो सके उतना शेयर करना बाय एवरीवन